इसके अंदर जितनी भी चूजा देख रहे हैं ना दोस्तों, सभी हेल्दी है। जस्ट इसको छोड़ के पता नहीं दोस्तों इसको क्या हुआ है, ये ना चल नहीं सकते। ये देखिए लगते है हैंडीकैप्टेड है ना। और हमारा ये है डकलिंग, कितना क्यूट है ना। इसको मैं दोस्तों अलग सा रूम देने वाला हूँ। और अभी मैं यहाँ पर वाटर भी देता हूँ, इनको प्यास लगा है। इसको ना मैं खुद पिलाता हूँ, देखिए सभी पानी पी रहे हैं। रुको रुको रुको, पी लो और पी लो। ओके हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा ओरियो को दोस्तों वैक्सीन लगाने का समय हो गया है। हाल में इसको वैक्सीन लगाने के लिए ले जाऊंगा। ओरियो को दोस्तों काफी जोर से भूख लगा है। ये देखिए ये ना यहाँ पर है, तो मैं एक्चुअली खाना रेडी कर रहा हूँ इसके लिए। तो इस तरह देना पड़ता है। ओरियो क्या कर रहे हो? ऑलरेडी दोस्तों खाना रेडी हो गया है। रुको 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 रुको, यार देखिए कैसा कर रही है। रुको रुको, इसको ना अरे अरे यहाँ पर रखता हूँ। ओरियो अरे अरे रुको रुको रुको, ये दोस्तों ओरियो का खाना रेडी हो गया है। इस तरफ ओरियो कम 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 कम, इतना ही काफी है इसके लिए। इससे दोस्तों इसका जो पेट है ना वो भर जाएगा। देखिए कितना शौक से खा रहे हैं ना। हमारा जो ओरियो ना वो बड़ा हो गया है। ओरियो ने दोस्तों खाना खा लिया, अब इसको मेडिसिन पिलाना होगा। ये है इसका मेडिसिन, एक्चुअली ये मल्टीविटामिन है। खाना खिलाने के बाद दोस्तों ये खिलाना पड़ता है, ठीक है। रुको रुको, ये ना मेडिसिन से काफी डरते हैं यार, क्योंकि रोज रोज पीते हैं, ठीक है, इस वजह से ये काफी डरते हैं। मैं भी दोस्तों बोरिंग फील करते हैं। हाँ इतना ही काफी है दोस्तों, 1 ml पिलाता हूँ रोज। ओरियो ये पी लो, पियो पियो, हाँ गुड गर्ल। देखिए पी लिया, और थोड़ा रह गया, ये भी देना होगा। हाँ दोस्तों ओरियो को डिवॉर्मिंग करवाने का समय भी हो गया है। तो इस मामले को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि पहले इसको डिवॉर्मिंग करूँ या वैक्सीन लगाने के बाद डिवॉर्मिंग करूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास नॉलेज है ना दोस्तों, अगर आप डॉग के बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पहले वैक्सीन लगाना होगा या डिवॉर्मिंग करवाने के बाद ही दोस्तों ओरियो को वैक्सीन लगाना होगा। इस रूम के अंदर दोस्तों मेरा पिताजी एक्चुअली प्लास्टर कर रहे है। ये देखिए ऑलरेडी क्या है, ठीक है, थोड़ा ही बाकी है, देख सकते है। इस रूम के अंदर देखता हूँ, ये भी प्लास्टर की है, ये रूम दोस्तों बाकी रह गया। और यहाँ पर दोस्तों टाइल्स आज ही लगाया जाएगा, उसके बाद दोस्तों मैं इसको भरना एक्वेरियम्स वगैरह रखूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक सजेशन देना है कि इन हाउस के अंदर दोस्तों कौन सा पेट्स रखना सही होगा, कैट रखना सही होगा या टर्टल या कुछ भी, ठीक है। लोगों को सही लगता है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। यार ये कैसे बाहर निकला? ये देखिए सुजाना बाहर घूम रहे है। चलो चलो यार, सभी को लगता है काफी जोर से भूख लगा है, कैसा कर रहे हैं ये लोग, है ना। परसों में दोस्तों इस इनक्यूबेटर के अंदर तकरीबन 40 eggs हैचिंग के लिए दिया। और ये जो लैला और लिली के अंडे देख रहे हैं ना दोस्तों, इनमें से 3-4 दिन के बाद सुजाना एक लेगी। इसके अंदर तो वाटर है, बट ये देखिए इसके अंदर वाटर नहीं है, मुझे देना होगा। और इन नए एग्स को दोस्तों 3 दिन के बाद कैंडलिंग करना होगा, वो भी मैं ब्लॉग को आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिंस का जो कंगे है ना दोस्तों वो खत्म हो गया है, इनको मैं खाने के लिए एग्स दिया था लेकिन ये लोग ना नहीं खाया है, तो ये मुझे फेंकना होगा। और वाटर भी नहीं है, देखिए खत्म की है। सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ, ये मैं दे रहा हूँ। ये लोग भी दोस्तों ये कंगे वगैरह खाते है, इनको कंगे देके मैं लोग को दिखाऊंगा कि ये लोग खाते है या नहीं, ठीक है। इतना ही दोस्तों फिंस के लिए काफी है, इनको ना जोर से भूख लगा है। रुको रुको रुको, ये आ गया, हेलो आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ, वो आ गया, देखिए फीमेल आ गया सबसे पहले। आप चलिए इनको कंगी खिलाता हूँ, वो देखिए सभी मिलके खा रहे हैं यार। तो थोड़ा इनको भी देता हूँ, ओके रुको 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 रुको, ये खा लो, देखिए खा रहे हैं सभी। इनका दोस्तों कंगी है, जस्ट वाटर जो है ना वो गंदा हुआ है और ख़त्म होने वाला है, देखिए। तो
तो मुझे ना नया ऑर्डर देना होगा यार। अभी अभी कॉल है कि पार्सल कैट ना डिलीवरी देने के लिए आया है, तो चलिए जल्दी से जाते हैं। कैट को डिलीवरी देने के लिए तो बंदा आया है, वो लोग कह रहे हैं कि जो गूगल मैप है ना वो एक्चुअली इनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो यहाँ तक आके दोस्तों ये लोग फंस गया यार। तो मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। लोकेशन उसकी भूल देखा है कि বহুত ধুলি মানে মথৰিতে আহিছে ন আৰু কিন্তু ব্ৰাছ কৰিব লাগিব, ব্ৰাছ লগালে পুৰা গুটবা লাগিব, ডেইলি কৰিব লাগিব। और दोस्तों ये फीमेल है, इसका नाम भी मैं रखने वाला हूँ, मैं खुद रखूंगा ठीक है। तो चलिए इसको घर ले जाते हैं। क्यूटी यार ये ना मेरे गोद में नहीं रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले ओरियो को दिखाता हूँ ठीक है। ये देखो कौन आया है, ओरियो इसको ना गोद में लेता हूँ। ओ देखिए ये ना काफी गुस्सा कर रही है यार। ये देखो कौन आया है, ओरियो इसको ना रूम के अंदर रखना होगा। जो लोग डिलीवरी किया उन्होंने कहा है कि इसको बाहर मत लाना ठीक है, तो चलिए इसको रूम के अंदर ले जाते हैं ठीक है। देखिए इसका फेस देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। ये ओरिजिनल ब्रीड है इसलिए इसका जो प्राइस है ना काफी हाई है, तो कितना प्राइस है इसका वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। चलो चलो रूम के अंदर चलो। ओरियो का जो खिलौना है ना तो वो मैं इसको दे रहा हूँ, देखते हैं ये खेलते हैं या नहीं, और कोशिश करते हैं। देखिए इधर जाओ इधर जाओ, यहाँ पर ये ले लो खिलौने ले लो। अरे अरे क्या हुआ, ये ले लो वो देखिए वो देखिए, और ये थोड़ा सैड लग रहा है, ये ले लो। हाँ धीरे धीरे दोस्तों ये एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ। और एक बार मैं लोग को अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए हमारा पर्शियन कैट को न्यू फैमिली मेंबर है ये ठीक है। इसने डिलीवरी किया ना उसने कहा कि दोस्तों इसको ना एक घंटे के बाद खाना वाना नहीं देना है, तो वही मैं करूंगा क्योंकि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है। इनके लिए दोस्तों फीड भी दे गए जो इसके अंदर है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आया है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और आसम के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। बाय बाय।